झांकी लगवा दी जाए। राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को। आप सभी लोग श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौकट पर मानसिक रूप से उपस्थित हैं। दर्शन मानसिक कृपा वास्तविक। अभी हम दीपक भी जलाएंगे। हमारे पेज के एक भक्त हैं बांके बिहारी जी के, हमारे पेज से जुड़े हुए हैं, लाइव देखते हैं, उनके ही द्वारा दीपक सेवाए। अभी मैं दीपक जलाता हूँ देरी पर। आप सभी लोग भी मानसिक रूप से उपस्थित हों। जुड़े हुए बांके बिहारी जी के भक्त हैं, बिहारी जी ने उनके द्वारा करवाई है। बिहारी जी के पास सदैव उनमें बरसती रही। हमने दीपक रख दिया है। बिहारी जी को सेवा लेनी होती है तो वो अपने आप ले लेते हैं। अनुजी के द्वारा ही आज की सेवा है। वहां के बिहारी जी सदैव इन पे और इनके परिवार पे अपनी अनुकंपा वर्षाई रखें। कुंज बिहारी श्री हरदास। और एक बात और मैं आप सभी को बता दूं, आज हम शाम को 7 बजे मैं अपने YouTube चैनल के द्वारा लाइव आऊँगा। शाम को 7 बजे हम यमुना जी की आरती दिखाएंगे लाइव। आज हम यमुना जी की आरती भी करेंगे, तो आप सभी से निवेदन है, YouTube चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। लिंक मैं शेयर कर देता हूँ कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें ताकि और लोग भी। आज यमुना जी की आरती भी हम करेंगे। इस समय यमुना जी अपने पूर्ण रूप में हैं, जैसे बिल्कुल कृष्ण जी से मिलने के लिए आतुर हों यमुना जी भी, और उन्होंने अपना जल का जो प्रवाह है वो बढ़ा लिया है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। शाम को 7 बजे यमुना जी की आरती जरूर करना आज आप सब मेरे साथ, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। 7:05-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई फिक्स टाइम वहाँ नहीं होता है, लेकिन हाँ 7:15 से पहले पहले आरती शुरू हो जाएगी। गीतेश जी आप मंदिर के बाहर हैं, अंदर तो अभी प्रवेश नहीं है और मैं बाहर आ नहीं सकता हूं क्योंकि इस समय लाइव चल रहा है। आप सबकी तरफ से मैं माथा टेक देता हूं। श्री बांके बिहारी जी कृपा सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सबकी तरफ से मैंने माथा टेक दिया है बांके बिहारी जी के मंगल चौकट पर। आप सब भी मंगल चौकट के दर्शन कर रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।
कहते हैं वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बही यमुना पट रानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिन को रज धानी, चारहु वेद न पावत भेद और संत मुनि करें मनमानी, यमुना यमदूत टारत है भव टारत है श्री राधिका रानी। तो यमुना जी तो यमदूत कहते हैं, जो यमुना जी में स्नान करता है उसको यमदूत यमराज का बहन ही रहता, तो यमुना यमदूत टारत है, यमुना जी यमराज जी की ही बहन है और सूर्य पुत्री हैं, और भव टारत हैं श्री राधिका रानी, और इस भव सागर से हमको राधा नाम राधा जी ही पार लगाती हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास, सभी लोग श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौकट के दर्शन करें। नमः कुंज विहारिणी, नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। और बस 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 ये अब हम बिहारी जी को सवैया सुना देते हैं। आपको दो रखना तेरे सिपारे कटारे तेरी तिथि मांग की धारी की जय दे कुंडल जाए कपोलन से मुझे ज्ञान बुद्धि उतहारी की जय दे राजेश्वरी दिन रहने रखो यही मोहन की बनवारी की जय दे प्रेम से बोलो भी बोलते बोलो पाके बिहारी की जय जय पाकी है बंदवारी पाकी घड़ी जन्मे हो बिहारी पाके कन्हैया के पाके ही भ्राता लड़ा के बड़े अल मुसल धारी पाकी मिली दुल्हन जग बंदन पाके गोपाल के पाके पुजारी भक्तन दर्शन देने के कारण जाकी घरों के में बाके बिहारी मान से हो तो वही रस खान बसो ब्रज को कुल राम के ग्वालन जो पशु हो तो बसे लो करो मित जो पशु हो तो कहा बस मेरो चलो नित नंद की देनु मजारा की पाहन हो तो वही गिरी को धर्यो पर छत्र पुरंदर धारण जो खग हो तो बसे लो करो मिल काल की फूल कदम की धारण और ऊपर नित रहूं लटका अपनी बन माल का फूल बना दे लहर तक राती रहे जिससे कमनीय तारिंदी का फूल बना दे कर कंद से धाम दे हो जिसको उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे पद पंकज तेरे धूल बना दे वह मोद न मुक्ति के मंदिर में
जो प्रमोद भरा गज धाम में है, इतनी छवि राशि अनंत का, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, रवि में न सरोज सुदारस में, नल राम लता अभिराम में, और इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। बाकी बिहारी लाल की जय। कुंज विहारी श्री हरदास। अब शाम को 7 बजे यमुना जी की आरती YouTube चैनल पर लाइव, सभी लोग YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें। बांके बिहारी जी को हमने सवैया भी सुना दिए, दीपक भी जला दिया, सेवा हो गई, गणेश जी के और दर्शन करते हैं, फिर स्वामी श्रीदास जी महाराज के भी दर्शन करेंगे, और उसके बाद यमुना जी भी जाना है आज मेरे को, 6:20 हो ही रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। सभी की अर्जी है, सभी की दंडवत है, सभी पर बांके बिहारी जी असीम अनुकंपा अपनी बरसाएं। मैं सभी की तरफ से एक बार माथा टेक देता हूँ। विजय माथा टेक, सभी लोग बिहारी जी के चौखट पे मत्था लगाएंगे भैया सप्रेम से। सभी सभी की तरफ से हमारे भैया निखिल गोस्वामी जी बिहारी जी के चरण बिंदु जो के दिल्ली के रूप में हैं, उन पर मत्था लगाएंगे सबकी ओर से। जय हो, जय हो महाराज, जय हो महाराज। सभी लोगों की तरफ से माथा टेक दिया है। श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा सदैव सभी पर बरसती रहे। अब गणेश जी के दर्शन करते हैं और ऊपर स्वामी श्रीदास जी महाराज के दर्शन करेंगे। गणेश जी के पास ही हमको गोवर्धन गिरिराज जी के, और उसके बाद हमको चरणवेद के भी दर्शन वहीं हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। श्री गणेश जी महाराज के दर्शन करने हम आ गए हैं। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समरो निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गोवर्धन जी महाराज मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरा मनुआ। पुलकित होए तेरो जस गावे श्री गोवर्धन गिरिराई, ले ले नाम तेरो मुरली पे नाचे कुंवर कन्हाई। ये श्री बांके बिहारी जी के चरण बिंद के दर्शन है। चरण कमल श्री बांके बिहारी जी के, अक्षय तीज पर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। और जो मान्यता है वो ये है कि बांके बिहारी जी के चरण दर्शन जो कर ले तो उसको बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का ही पुण्य मिलता है। तो स्वामी श्रीदास जी महाराज ने तो कहा था कि क्या करोगे वहाँ बद्रीनाथ जाकर, मैं यहीं बांके बिहारी जी के आज चरणों के दर्शन करवा देता हूँ अक्षय तीज पर। तो तभी से अक्षय तीज पर परंपरा शुरू हो गई, बांके बिहारी के श्री चरणों के दर्शन हमको अक्षय तीज में मिलते हैं। श्री गणेश जी महाराज
शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पर हमारे यमुना जी की लाइव आरती। बस मैं जाने ही वाला हूँ, आज ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा क्योंकि 15 मिनट पहुँचने में भी लगेंगे लगभग। केसी घाट पर जो यमुना जी की आरती होती है वो मैं दिखाऊँगा। अब हम चलते हैं और हरिदास जी के चरणों में और दंडौत कर लेते हैं एक बार। चलिए आप सब मेरे साथ। तो वहाँ के बिहारी जी की कृपा है, चौखट के दर्शन हो गए, सवैया भी आप लोगों ने सुन लिए आप। और अब स्वामी श्री दास जी महाराज के चरणों में भी हम यदि भाव आएंगे तो ज़रूर सुनाएंगे कोई सवैया। और आज मैं भांडीर बन गया था सर, मैंने लाइव भी डाली थी और उसकी वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा। भांडीर बन बहुत ही सुंदर स्थान है, राधा कृष्ण की विवाह स्थली है। लोग पूछते हैं क्या राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, तो बिल्कुल हुआ था, ब्रह्मा जी ने करवाया था। और ये देखो मंदिर में ये एक लेयर बिछना शुरू हो गया है। उम्मीद है 30 सितंबर तक काम पूरा हो जाए ताकि भक्तों को और परेशान ना रहना पड़े। एक पिलरों में भी भरा जा रहा है। और मेरे पास फोन आते हैं, वो कुछ कहते हैं हमने आपको लाइव देखा था, वो कहते हैं क्या हम भी सेवा करवा सकते हैं मंदिर का जो निर्माण चल रहा है। तो मैं सभी को बता दूं, मंदिर के निर्माण में सिर्फ एक भक्त का पैसा लग रहा है और वही पूरा काम करवा रहे हैं। सामान भी उनके द्वारा आ रहा है मंदिर का, इसमें किसी का और कोई वो नहीं है। बिहारी जी कृपा से सिर्फ एक भक्त हैं, वही पूरा काम करवा रहे हैं। और कोई आपसे कहता है ठीक है आपकी तरफ से ये ले लेंगे तो वो भी वो अपनी जाने। नमः कुंज बिहारिण, नमः कुंज बिहारिण स्वामी श्री हरिदासाय गुणाम गुरुवे नमः। श्री बांके बिहारी जी के सुंदर दर्शन, इन्हीं का पद सुनाया था। और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बन मालिका फूल बना दे, लहरें टकराती रहें जिससे, कमनीय कालिंदी का कुल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। देख लो जब बिहारी जी के सामने गा रहा था तो मैं बिल्कुल नहीं भूला था, ऐसे ही होता है। ये श्री चरण है बांके बिहारी जी के। विट्ठल विपुल जी महाराज के दर्शन। सिमरन जी अभी मैं गया था, श्रृंगार चल रहा है, थोड़ा पिंक कलर, डार्क पिंक कलर की पोशाक दिख रही थी मेरे को, अंदर से ही देखिए अंधेरा था, डार्क पिंक कलर की पोशाक थी और ऐसा लगा था श्री जी की साड़ी जो है वो ब्राउन कलर की है। मैं और ये हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललिता सखी के रूप में आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हमारे यहाँ जो भाव है वो सखी भाव है, जो बिहारी जी की सेवा होती है वो भी सखी भाव में होती है। सखी संप्रदाय कहलाती है। गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन। रूपानंद जी महाराज। और ये बांके बिहारी जी का एक और चित्रपट। तो हमने दर्शन सभी जगह की कर लिए हैं, सभी चौखट पे भी माता टेक लिया। दीपक भी आज अनुजी पर बांके बिहारी जी ने उनको प्रेरणा दी, उन्होंने उनके मन में भाव आया शाम को दीपक सेवा करी जाए, उन्होंने उनकी तरफ से दीपक सेवा भी हो गई और सवैया बिहारी जी कृपा से सुना दिए।
और स्वामी जी के बारे में एक और बात सुनाना चाह रहा हूँ मैं। या तन कू तज के ब्रज में नव नूतन जीवन धन्य बना ले, मुक्ति तो डोल रही ब्रज में, ब्रजवासी तो मुक्ति को मुक्त करा में, कुंज बिहारिनी कुंज बिहारी ये रास विलास प्रमोद मनावे, गीत संगीत के नीत महामुनि श्री हरिदास को शीष नवावे। तो स्वामी जी की महिमा ऐसी है, जो गीत संगीत के महामुनि है वो भी हरिदास जी के चरणों में शीश नवाते हैं। श्री हरिदास जी तानसेन बैजू बावरा आदि के गुरु हैं। अब यमुना जी की आरती भी हमको करनी है, 6:32 हो गए हैं, शाम को 7 बजे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज यूट्यूब पे भी हम मिलते हैं लाइव, फेसबुक पे मिलते हैं, आज यूट्यूब पे भी मिलते हैं। माँ के बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आज यमुना जी के भी दर्शन करेंगे। यमुना यमदूत तारत है, वह तारत है श्री राधिका रानी। और कहते हैं जो पुण्य गंगा जी में स्नान करने का मिलता है वही पुण्य यमुना जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। तो आज हम यमुना जी की आरती के दर्शन करेंगे, यमुना जी के भी करेंगे, उनकी आरती के भी दर्शन करेंगे। तो कुंज बिहारी श्री हरदास सभी लोगों को बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आप सबकी तरफ से श्री बांके बिहारी जी के स्वामी जी के चरणों में दंडवत। बांके बिहारी जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पे हम आरती करते हैं आज यमुना जी की। बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की सभी।